लो बढ़ई के लिए काम करने लिए विश्वकर्मा योजना दिया है, मुद्रा लोन दिया है, जो उसके लायक है वो सब काम कर रहा है, सब वो उसमें लग गया। जो बेरोजगार है आ जो काम नहीं करना चाहता है वही आपके चैनल पर आकर के मोदी जी को गाली देता है। मोदी अच्छा, जी को काम नहीं वो घर में क्या करते हैं, जो मोदी जी राशन दिए हैं वो खा लेते हैं और आकर के यहाँ पर में मोदी जी को गाली देते हैं। चुप बोल मत अभी शांत हो। तो क्योंकि उन्होंने गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर उन्होंने जोर दिया कि गांव में जो क्या लोगों की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। पहले 5 साल में उन्होंने उस जहां तक आज तक 70 साल हो गए देश को सरकार बनी हुई, किसी ने गांव में नहीं ध्यान दिया कि वहां क्या सुविधा होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, मकान होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, सड़क होना, उस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने बनने के बाद सबसे पहले गांव की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया और उसको निवारण किया। उसके बल पे जितने सीट आए थे उनको 2014 में, उससे ज्यादा सीट से जनता ने हिंदुस्तान की 2019 में फिर जिताया। वो किस मुंह से जाएंगे जो कांग्रेस राम को काल्पनिक बताए, जो कांग्रेस कहे हिंदू धर्म है ही नहीं, जो कहता है हिंदू धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह निकाल देना चाहिए और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए उन्होंने 70 साल, वो किस मुंह से जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में? उनको जाने में शर्म होना हो रहा है और शर्म अपने आप को हिंदू के साथ खड़े होने में उनको शर्म हो रहा है, तो किस मुंह से जाएंगे राम मंदिर में? वो जा नहीं सकते। वो किया था उसका परिणाम, उसका रिजल्ट तो उन्हें मिल गया कि 3 राज्य वो हार चुके। और रही बात वो नफरत की दुकान खोलने चले थे ना, मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान, तो वो जितने कस्टमर उनके थे नफरत के मोहब्बत की दुकान पे, वो सारे कस्टमर तो मोदी जी के पास आ गए। अब वो चाहे न्याय यात्रा करे चाहे अन्याय यात्रा करे, हिंदुस्तान की जनता भली भांति जानती है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को सब धर्म को लेके सबके साथ लेकर के कौन चलने वाला है, और इस बात की गारंटी मोदी जी ने दिया है कि 2024 में फिर हम जीतेंगे और हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर में स्थान दिलाएंगे। नहीं लेना है जो गठबंधन बना के देश को लूट रहा है, देश को खा रहा है, देश को बर्बाद कर देगा, ऐसे को कभी नहीं आने देगा। ये भूल जाए, अब कभी सत्ता में आएंगे, कभी सत्ता में आ नहीं सकते ये। इसलिए लोग जो आपके चैनल पर आकर के मोदी जी का विरोध करते हैं, वो विरोध करने वाले वो हैं जिसको उन लोगों ने हमेशा पाला है और नफरतवाद को फैलाया है हिंदुस्तान में, और ऐसे नफरतवाद को कभी क्या होगा? लोकसभा के चुनावी मुद्दे क्या होंगे जिस पर बीजेपी जाएगी जनता के पास वोट मांगने कि मैंने ये किया है, क्या क्या बताएगी? सारा काम ही किया है। जिसको देखना है ना, सारा काम ही किया है मोदी जी के शासन काल में, जो काम हुआ है ना, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो अपने आंखों से पट्टी हटा ले और पट्टी हटा के किसी हाईवे पे चला जाए, किसी नेशनल रोड पे चला जाए, हिंदुस्तान की जो भारत मंडपम देख ले। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। चुनावी तारीखों की बात हो चुकी है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से ठंड बढ़ते जा रही है उस तरीके से नेताओं के भाषण में गर्मी बढ़ते जा रही है। कुछ नेता अपने आप को अभी से पीएम कैंडिडेट घोषित करने में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे दल से नेता सामने आएंगे लेकिन अभी सामने नहीं आए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी नाम आना बाकी है। तो बात करते हैं उनसे कि आखिर पीएम मोदी के सामने कौन होगा, और महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी या नहीं होगी, या सिर्फ राम मंदिर उद्घाटन के ऊपर चर्चा होते रहेगा और फिर से मोदी जी की सरकार उसी आधार पर बन जाएगी जैसे कि 2019 में बन गई थी। पूछते हैं जनता से कि आखिर उनका हाल क्या है और देश का हाल क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद ठाकुर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से पीएम मोदी फिर से जीत कर आएंगे या नहीं आएंगे? मोदी जी जीत के आ चुके हैं, अभी चुनाव होने बाकी है, उनको हटाने वाला कोई नहीं है, न उनके टक्कर में कोई है। उसका कारण है, क्या कारण है बताइए? कारण यह है कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने गांव-गांव में जो मूल, क्योंकि भारत जो हमारा है वो गांव गांव का देश है, तो उन्होंने चुप बोल मत अभी शांत हो। तो क्योंकि उन्होंने गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर उन्होंने जोर दिया कि गांव में जो क्या लोगों की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। पहले 5 साल में उन्होंने उस जहां तक आज तक 70 साल हो गए देश को सरकार बनी हुई, किसी ने गांव में नहीं ध्यान दिया कि वहां क्या सुविधा होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, मकान होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, सड़क होना, उस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने बनने के बाद सबसे पहले गांव की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया और उसको निवारण किया।
उसके बल पे जितने सीट आए थे उनको 2014 में, उससे ज्यादा सीट से जनता ने हिंदुस्तान की 2019 में फिर जिताया। और 19 में आने के बाद उन्होंने जो इंटरनेशनल काम होते हैं देश हित में, उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए जिससे जनता ने हिंदुस्तान की फिर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक है। अच्छा, बोलते हैं बस धर्म की बात करते हैं, बेरोजगारी और महंगाई तो कंट्रोल कर नहीं पाए, 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किए थे वो भी नहीं दे पाए, गैस आटा तेल का दाम आप देख ही रहे सामने। मैं कह रहा हूँ जो महंगाई और बेरोजगारी के रोना रो रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा है कि सबको तो कलेक्टर और आजकल सबको चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का बेनिफिट क्या है, तो जिसके घर में एक सरकारी नौकरी हो जाता है उसके पूरे परिवार समझ लेता है कि मुझे तो जिंदगी भर का पेंशन मिल गया। ये काम करना नहीं, 2 घंटे काम करना नहीं करना, प्राइवेट सेक्टर में काम करने पर में उनको पूरी उनको ड्यूटी देना पड़ेगा। इसलिए हर आदमी चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। ये सरकारी हर घर में सरकारी नौकरी देने का प्रावधान कोई भी सरकार न किया है न कर सकता है। इसलिए बेरोजगारी का रोना रोना के बाद तो युवा सब छोड़ दे, उसके लिए सरकार ने और मोदी जी ने बहुत सारे धन बहुत सारे योजनाएं दिया है। मुद्रा लोन लो, बढ़ई के लिए काम करने विश्वकर्मा योजना दिया है, मुद्रा लोन दिया है, जो उसके लायक है वो सब काम कर रहा है, सब वो उसमें लग गया। आज जो बेरोजगार है आज जो काम नहीं करना चाहता है वही आपके चैनल पर आकर के मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी को वो घर में क्या करते हैं, जो मोदी जी राशन दिए हैं वो खा लेते हैं और आकर के यहाँ पर मोदी जी को गाली देते हैं। पर उसके जब से सरकार आई है धर्म की बात ज्यादा करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, काम कुछ करना है नहीं, तू हिंदू तू मुस्लिम तू सिख हम ईसाई वाले बात करते हैं। हिंदुस्तान जो है ना सनातन का देश है और सनातन ही यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, 80% 90% लोग सनातनी हैं। तो जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही तो देश पे राज करेगा। आज पहले बार इतने वर्षों के बाद ये सरकार आई है जो भारत की संस्कृति भारत की धर्म भारत की महानता को आगे बढ़ाया है। इसलिए इस सरकार से बढ़िया सरकार भारत के हित में न कोई आया है न आएगा, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है जिसमें सोनिया गांधी भी जाने वाली हैं। सोनिया गांधी ने पहले कहा था कि राम भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 26 वकील खड़ा करवाई थी, कपिल सिब्बल उनके नेता थे वकीलों के, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो किस मुंह से जाएंगे, जो कांग्रेस राम को काल्पनिक बताए, जो कांग्रेस कहे हिंदू धर्म है ही नहीं, जो कहता है हिंदू धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह निकाल देना चाहिए और तुष्टिकरण की राजनीति की उन्होंने 70 साल, वो किस मुंह से जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में? उनको जाने में शर्म होना हो रहा है और शर्म अपने आप को हिंदू के साथ खड़े होने में उनको शर्म हो रहा है, तो किस मुंह से जाएंगे राम मंदिर में? वो जा नहीं सकते। वो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जानते होंगे आप, स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा परसों ही कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोले उसका अब जवाब उनके पार्टी के लोग ही दे रहा है, क्योंकि जो राम मंदिर बना था जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो उन्हीं के पार्टी के जो मुलायम सिंह जी थे 160 लोगों की जान गई थी जो कि सरयू नदी खून से लथपथ हो गया था। वो किस मुंह से जाएंगे, वो किस मुंह से जाएंगे राम मंदिर में? और उनको उनको उसमें बुलाया भी नहीं गया है। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं जो हिंदू को गाली दे, जो हिंदू को शब्द से नफरत करे, वो किस मुंह से वोट हिंदू के यहाँ जाएंगे वोट मांगे? इसलिए ये 26 क्या 86 भी हो जाएंगे ना, तो मोदी को कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि मोदी है तो हिंदुस्तान के। आज आप देखो धारा, लोग कहते हैं धारा 370 हटा के क्या मिला, धारा 370 हटाने के बाद आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आज धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान बैक फुट पर में है, अब पूरी दुनिया देख रहा है कि पाकिस्तान आज हमारे हिंदुस्तान के फंड जाते थे और धारा 370 होने के बाद वहाँ के सिर्फ 3 परिवार की रोजी रोटी चलती थी, आज वो बंद हो गया। जिस एक समय था जो कश्मीर में कश्मीर की झंडा फहराते थे, जो कि हमारे देश में एक धर्म एक जात और एक सबको लेकर चलना होता है, आज कश्मीर में देखो भारत की तिरंगा हर डिपार्टमेंट पर फहरा रही है। राहुल गांधी फिर से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत न्याय यात्रा के नाम से, मणिपुर से मुंबई तक। उनका कहना है कि समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया है, इसलिए हम फिर से एकजुटता की बात कर रहे हैं और समान करने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं। उन्होंने पहले भी यात्रा किए थे, उन्होंने जो पहले यात्रा किया था उसका परिणाम उसका रिजल्ट तो उन्हें मिल गया कि 3 राज्य वो हार चुके। और रही बात वो नफरत की दुकान खोलने चले थे ना, मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान,
तो वो जितने कस्टमर उनके थे नफरत के मोहब्बत की दुकान पे, वो सारे कस्टमर तो मोदी जी के पास आ गए। अब वो चाहे न्याय यात्रा करे चाहे अन्याय यात्रा करे, हिंदुस्तान की जनता भली भांति जानती है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को सब धर्म को लेकर सबके साथ लेकर के कौन चलने वाला है, और इस बात की गारंटी मोदी जी ने दिया है कि 2024 में फिर हम जीतेंगे और हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर में स्थान दिलाएंगे। 2024 में पीएम मोदी वर्सेज मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे दल से नेता होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या लगता है कांटे की टक्कर होगा मुकाबला? आज मल्लिकार्जुन खड़गे जहाँ से है ना, उन्हीं के गठबंधन और उन्हीं के सहयोगी यहाँ के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को कहता है यहाँ का आकर के दक्षिण में हमारा टॉयलेट साफ करते हैं। अब बताओ जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो प्रधानमंत्री बनता है वहाँ के लोगों को उनके सहयोगी गाली दे और फिर उनको लोग प्रधानमंत्री चुनेगा? कभी नहीं चुन सकता ये लोग, ये सब समझदार है लोग, हमारे देश के नौजवान सब धर्म में रहने वाले लोग सब समझता है कि देश हित में कौन काम कर रहा है और देश को लूटने वाला कौन है। ऐसे लुटेरों को हमने नहीं लेना है जो गठबंधन बना के देश को लूट रहा है, देश को खा रहा है, देश को बर्बाद कर देगा, ऐसे को कभी नहीं आने देगा। ये भूल जाए अब कभी सत्ता में आएंगे, कभी सत्ता में आ नहीं सकते ये। इसलिए लोग जो आपके चैनल पर आकर के मोदी जी का विरोध करते हैं, वो विरोध करने वाले वो हैं जिसको उन लोगों ने हमेशा पाला है और नफरतवाद के फैलाया है हिंदुस्तान में, और ऐसे नफरतवाद को कभी क्या होगा? लोकसभा के चुनावी मुद्दे क्या होंगे जिस पर बीजेपी जाएगी जनता के पास वोट मांगने कि मैंने ये किया है, क्या क्या बताएगी? सारा काम ही किया है 370 जिसको देखना है ना, सारा काम ही किया है मोदी जी के शासन काल में, जो काम हुआ है ना, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो अपने आंखों से पट्टी हटा ले और पट्टी हटा के किसी हाईवे पे चला जाए, किसी नेशनल रोड पे चला जाए, हिंदुस्तान की भारत मंडपम देख ले, और भी जहाँ कोई नहीं कुछ दिखाई पड़ा है ना, तो लाल किला आकर के देख ले, जो पहले लाल किला थी। लाल किला सब प्राइवेट हो गया, सब बिक रहा है, प्राइवेट हो गया तभी तो अच्छा है, सुंदर है, सब देखने में लगता है, हर आदमी पैसे दे रहा है, चमक रहा है, लोग मजे ले रहा है। आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, जहाँ पहले की ट्रेन थी आज देखो ट्रेन 140 की स्पीड में चल रही है, पहले ट्रेन चलती थी 160, और लोग बैठने में जाता है तो देख करके आप किसी, आज अयोध्या मंदिर जाकर वो एयरपोर्ट देखो, आज अयोध्या के रेलवे स्टेशन देखो जाकर के वहाँ क्या व्यवस्था हुई है, जो कभी सोच सकता था अयोध्या के लोग, बनारस के लोग, जो बनारस इतना पिंक सिटी बन जाएगा। इसलिए ये मोदी जी की उपलब्धि है और भारत चकाचौंध हो रहा है। आज मोदी जी के शासनकाल में ही भारत चांद पे पहुंच गया, और जो लोग और एक समय था जो हिंदू विदेश में लोग हिंदुस्तान के नाम लेने से कतराते थे, आज विदेश में गर्व से कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।